हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेवन सेगमेंट एलईडी क्या होती है। तो हमने आपको लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में जब बताया था, तो हमने आपको बोला था कि जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो उसमें क्या होता है, हमारा एक डॉट मैट्रिक्स के फॉर्म में भी होता है और हमारा अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक, मतलब जब हम बहुत सारे एलईडीज को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक डिस्प्ले बना सकते हैं। तो ये जो सेवन सेगमेंट एलईडी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डिस्प्ले ही बनाते हैं कि कैसे हम सात सेगमेंट्स को जोड़ के 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो जिसने पहले एलईडी नहीं देखा है कि एलईडी क्या होता है, कैसे बनता है, उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वो पहले उसको देख ले, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, क्योंकि उसके आगे का ही ये पार्ट है कि कैसे हम एलईडीज को कंबाइन करके क्या करते हैं, सेवन सेगमेंट एलईडी बनाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एलईडी क्या है, एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें क्या होता है, पी और एन लेयर होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, होल से कंबाइन होते हैं, तो उससे एक लाइट इमिट होती है, वही लाइट हमें क्या करती है, दिखाई देती है। तो नाम ही है लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एक पीएन डायोड क्या कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है, जो लाइट हमें क्या कर रही है, दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो सेवन सेगमेंट एलईडी जो होता है, इसमें क्या करते हैं हमारा, इसको क्या बोलेंगे अपन, व्हेन वी कंबाइन मैनी एलईडी टुगेदर, जब हम बहुत सारे एलईडी को एक साथ कनेक्ट करते हैं, टू फॉर्म न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, ठीक है, एक न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले बनाते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। तो सेवन सेगमेंट एलईडी है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इन इट सेवन सेगमेंट्स आर यूज, इसमें क्या होते हैं, सात सेगमेंट हमारे क्या होते हैं, यूज करते हैं अपन। सात सेगमेंट कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास सात सेगमेंट्स होते हैं। इन सात सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, जब कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक अल्फा न्यूमेरिक हमारा बन जाता है 0 से लेके 9 तक। तो अगर हमें कोई भी अल्फा मतलब न्यूमेरिकल डिस्प्ले करना है, अगर 10 डिस्प्ले करना है तो 1 और 0 को जला देंगे, 9 डिस्प्ले करना है तो उसके अकॉर्डिंग जला देंगे। तो जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो वाला हमारा जो हमारा ये सेगमेंट है, वो क्या करेगा, लिट करेगा, मतलब जलेगा, बाकी क्या करेंगे, ऑफ रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा सेगमेंट डिस्प्ले होता है। इसमें जो होता है वो लो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, लो वोल्टेज नॉर्मली 12.8 वोल्ट अप्रोक्सीमेट, ओके, लो वोल्टेज अप्रोक्सीमेट 12.8 वोल्ट एंड अबाउट 10 to 50 mA करेंट इज रिक्वायर्ड, एंड अबाउट 10 to 50 mA करेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब लो वोल्टेज एंड लो करंट रिक्वायर्ड होता है। सिंपल सा हमने एलईडी बताया था, उसमें हमने आपको उसके एडवांटेजेस बताए थे कि एलईडी के एडवांटेजेस क्या है, कि वोल्टेज और करंट जो होता है वो हमें क्या होता है, कम रिक्वायर्ड होता है। तो एलईडी से ही तो मिलके ये बन रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या होगा, कम रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो सेवन सेगमेंट एलईडी क्या है, एक टाइप का एलईडी का कॉम्बिनेशन है। जब हम बहुत सारी एलईडीज को एक साथ जोड़ देते हैं, टुगेदर कंबाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, सेवन सेगमेंट एलईडी या फिर न्यूमेरिक डिस्प्ले बन जाता है। ओके, अब देखिए किस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिक डिस्प्ले बनेगा, हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास क्या है, सात सेगमेंट्स है, कौन कौन से, ये हमने सात सेगमेंट लिए हैं, ये इस तरीके के सात सेगमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है, मतलब हमारे पास क्या है, सात सेगमेंट्स है, ये सात सेगमेंट हमारे पास हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिक डिस्प्ले बना रहे हैं, न्यूमेरिक डिस्प्ले जो 0 से लेके 9 तक कुछ भी शो कर सकता है। ओके, सपोज हमें क्या शो करना है, हम बोल रहे हैं कि हमें टू शो करना है, टू अगर हमें शो करना है तो किस तरीके से टू बनेगा, ये 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 और ये, ठीक है, टू हमारा कैसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ये हमारा टू है कि नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक में इसी तरीके से होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं पर भी जाते हैं, टोकन्स वगैरह जहाँ सिस्टम है, सपोज आपका टू आया तो वो इस तरीके से हमारा शो करेगा। तो अगर आपको टू शो करना है, तो हमारा यहाँ पे क्या क्या लेना पड़ेगा, ए हो गया,
बी हो गया, जी हो गया, ई हो गया एंड डी हो गया। तो ये वाले जो हमारे सिगमेंट्स हैं ये क्या होंगे, हमारे लाइट अप होंगे। ये वाले जो सिगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जलेंगे। मतलब कौन कौन सा, ए बी जी ई डी, ये वाले सिगमेंट्स क्या होंगे, लाइट अप होंगे, जलेंगे। बाकी जो भी हैं, कौन कौन सा बच्चा हमारा, सी एंड एफ, सी और एफ, ये क्या करेंगे, लाइट डाउन रहेंगे। ठीक है, मतलब जो हमें डिस्प्ले कराना है वो वाले हम क्या करेंगे, अप रहेंगे तो केवल ये दिखाई देंगे, बाकी ये क्या करेंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो जो भी हमें डिस्प्ले कराना है वो वाले हमारे ऑन हो जाएंगे, बाकी ऑफ रहेंगे। इस तरीके से हमारे डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज हम चाहते हैं कि 8 डिस्प्ले कराना है, तो 8 कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ना, 8 हमारा कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या है, सारे ही आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो सारे के सारे सेगमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, लाइट अप हो जाएंगे। ओके, सपोज 9 बनाना है, तो 9 कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से 9 बनेगा। तो कौन कौन से इसमें आ गए हमारे, ए बी सी डी ई छूट जाएगा, एफ एंड जी। तो केवल यहाँ पे ई जो है वो लाइट डाउन रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, लाइट अप रहेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डिस्प्ले बनाते हैं। तो ये सारी LEDs को कंबाइन करके टुगेदर हमने क्या किया है, एक न्यूमेरिक डिस्प्ले बना लिया है। इसका नाम दिया है 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले, क्योंकि ये 7 सेगमेंट से बना है। 7 सेगमेंट से मिलके हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा 0 से 9 तक का हमारा न्यूमेरिक डिस्प्ले बना ले रहा है। तो जो भी हमें नंबर शो करना है वो वाले हमारे सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे, बाकी सब क्या करेंगे, लिट डाउन रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से बनता है हमारा 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले। थैंक यू।